वेरी गुड डे, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों से। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 29 करोड़ रुपए कैश मिला है, साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। ईडी ने बुधवार शाम को बेलघरिया स्थित उनके दूसरे फ्लैट रेड शुरू की, जो गुरुवार तड़के तक चली है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। मंकी पॉक्स वायरस के रूप में पूरी दुनिया में खड़े हो रहे संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इस वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट करने में भारत ने सफलता हासिल कर ली है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर आज चर्चा की जाएगी। इस विधेयक को भूपेंद्र यादव सदन में रखेंगे। इस बिल के जरिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने संगठन की कमान छोड़ दी है। सियासी रूप से देश के सबसे अहम प्रदेश में बीजेपी के नए सेनापति को लेकर चर्चा तेज है। यूपी बिहार में 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इन दो राज्यों में 19 जुलाई तक मौसम लगभग शुष्क था, जबकि 20 जुलाई से दोनों राज्यों में छिटपुट बारिश शुरू हुई है। पटना आतंकी मॉड्यूल केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार के दरभंगा में संदिग्ध नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकिम के आवास पर छापेमारी की। तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य भी हैं। लालू यादव के सहयोगियों के साथ अब उनके परिवार पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। नौकरी के बदले गिफ्ट में जमीन लेने वालों पर सीबीआई कहर बनकर टूट पड़ी है। अब इस मामले में गिफ्ट लेने वाली लालू की बेटी हेमा यादव पर भी जांच की आंच आ सकती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इस बयान को लेकर महिला भाजपा सांसदों ने सदन में हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगो का पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिजा चड्डा ने हाल ही में अली फजल के साथ अपनी शादी पर बात की है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि जो उनसे बाद में मिले उन तक की शादी हो गई है, लेकिन एक्ट्रेस की शादी डिले होती जा रही है। आपका सजेशन हमारी मजबूती की वजह है। हमें अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।